क्या करूं, मुझे बहुत ही गर्मी लग रही थी, मैं आधा वही पे नहा के आ गया। दीदी बोल रही है मैं भिखारी के जैसा दिख रहा हूँ। चलो कोई नहीं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो सुबह के अभी 9 बज चुके हैं एंड फिलहाल मैं एंड मम्मी जी आ गए साफ सफाई करने। एक्चुअली कल हमने किया था इसके नीचे वाले फ्लोर एंड आज हम कर रहे हैं इसके ऊपर वाला फ्लोर। तो यार आज से जिम बहुत ही लेट स्टार्ट हो रहा है। कल तो मैं 7:38 को स्टार्ट कर दिया था एंड आज 9 बजे स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि पहले ब्रेकफास्ट और सब कुछ किया एंड फिर आया हूँ यहाँ पे। नहाने हूँ क्योंकि नहाना तो बाद में करेंगे, पसीना वगैरह आ जाता है ना। जस्ट ब्रेकफास्ट वगैरह किया एंड बस ऊपर आ गए। तो अभी साफ सफाई बिगेन करते हैं एंड कंप्लीट भी करते हैं फटाफट। तो अपलोड व्यूअर मैंने कर दिया है पिछले व्लॉग एंड वो थोड़ी देर में आपका आ जाएगा। तो थोड़ा टाइम है, 10 मिनट्स में अपलोड हो जाएगा कम्प्लीटली। तो पहले तो साफ सफाई करते हैं ये फ्लोर की। ये फ्लोर में तो जल्दी हो जाना चाहिए, कल जैसा 12 तो नहीं बजना चाहिए, लेकिन फिर भी देखते हैं कितना बजता है यार। यहाँ पे साफ सफाई करते करते अभी जाके काम कंप्लीट हुआ है एंड फटाफट से थोड़ा बहुत नहा लिया यही पे ही, क्योंकि पूरा सीमेंट में हो रखा था मैं पूरा भाई, कपड़े वगैरह सब कुछ, शूज़ वगैरह सब कुछ सीमेंट में हो गए थे। वैसे फटाफट से मैंने मोटर ऑन किया एंड बस यहीं पे थोड़ा बहुत नहा लिया। अभी पूरा नहीं नहाया हूँ, अभी यहीं पे आधा ही नहाया हूँ, आधा बहुत घर पे जाके नहाएंगे। तो फिलहाल अभी घर पे चलते हैं एंड फटाफट से नहाते हैं। मम्मी जी तो ऑलरेडी चले गए, तो मम्मी जी मेरे ख्याल से नहा रही होंगी अभी। अभी हम भी चलते हैं एंड फटाफट से नहा लेते हैं भाई, बहुत ही थक चुके हैं एंड बहुत खतरनाक वाली प्यास लग गई। कम से कम 2 घंटे हो चुके हैं भाई, पानी को एक बूंद तक नहीं पिया, सिर्फ काम करते रह रहे हैं। तो अभी जाके घर पे मस्त पानी पीते हैं, ठंडा वाला पानी पीते हैं भाई। एंड मैंने थोड़ा बहुत डॉगी को भी नहला दिया। लग रही है यहाँ अंदर आके बैठ गए यहाँ पे खोद के। यार सॉरी, मैंने सोचा तो इतने दिनों से नहाया नहीं ना, इसलिए तेरे ऊपर पानी डाल देता हूँ। थोड़ा गर्मी लग रही होगी यार तुझे, इसीलिए भी मैंने पानी डाल दिया। चलो नहीं, सूख जा अभी तो भी एंड मैं भी फटाफट से नहा के आता हूँ, ठीक है, फिर बिस्कर दूंगा। लेकिन भाई एक सामान लाना तो भूल गया, तो पहले वो सामान लेके आता हूँ। एक नहीं, 2 सामान लाना भूल गया एक्चुअली, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला सामान भाई 2 दिन हो गया यहीं पे पड़ा रखा है, आज मुझे याद आया एंड ये एक सामान। तो दोनों को घर पे लेके चलते हैं, बहुत ही भारी है यार। चलते हैं अभी घर पे एंड मस्त ठंडा वाला पानी पीते हैं। तो भी पीते हैं मस्त ठंडा ठंडा पानी। क्या करूं, मुझे बहुत ही गर्मी लग रही थी, मैं आधा वहीं पे नहा के आ गया। दीदी बोल रही है मैं भिखारी के जैसा दिख रहा हूँ। चलो कोई नहीं भाई, पूरा ही नहा लेते हैं, पहले पानी पीते हैं एंड फिर फटाफट से नहा के आता हूँ। मम्मी जी तो मस्त नहा रही है, जो कि ये वाला बाथरूम मम्मी जी नहा रही है एंड मैं जाके ये वाले बाथरूम में नहा लेता हूँ। तो फिलहाल अभी पापा जी भी आ गए दुकान से एंड अभी हम मस्त लंच करते हैं, जो कि दाल एंड रोटी खाते हैं। मम्मी जी तो अपने लिए मस्त रिंगड़ा बनाए, रिंगड़ा है ना, बैंगन, बैंगन की सब्जी है, सॉरी बैंगन की सब्जी बनाई है। मारवाड़ी में रिंगड़ा बोलते हैं, रिंगड़ा भी नहीं, रिंगड़ा नहीं, रिंगना, रिंगना, रिंगना। इसको प्रोनाउंस करने ही नहीं आता है मुझे, बैंगन तो आराम से बोलने का आता है, लेकिन मारवाड़ी में रिंगड़ा, हाँ वही, वो उसको प्रोनाउंस करना नहीं आता है। जो भी सब्जी है हमारे को तो पसंद है नहीं, मस्त अपनी दाल एंड रोटी खाते। पापा जी को भी नहीं पसंद है वही, यार बैंगन भी बोल सके नहीं। मम्मी जी एंड दीदी को पसंद है ये सब्जी, हाँ वही, भैया को भी पसंद है ना। चलो अपने लिए तो मस्त दाल और रोटी जिंदाबाद, अपने लिए दाल एंड रोटी जिंदाबाद है। तो पहले तो मस्त लंच करते हैं, साथ में मस्त रायता भी बनाया, तो रायता भी पियेंगे, मस्त मजा आ जाएगा रायता पीते हैं। भाई पापा, तो आज पापा जी जाएंगे दुकान एंड हम करेंगे रेस्ट। दीदी अभी लंच कर रही है, तो मेरा पापा जी का एंड मम्मी जी का तीनों का लंच तो हो गया एंड दीदी कर रही है अभी, तो अभी हम बस रेस्ट करते हैं मम्मी जी के साथ। भाई बहुत ही थक चुके हैं, ओ भाई बॉडी पेन बहुत हो रहा है आज, तो कल से ज़्यादा हो रहा है आज एक्चुअली। मैंने अभी थोड़ी देर मस्त रेस्ट करते हैं, इससे थोड़ी बहुत जो भी थकान है मिट जाएगी, बस सो जाते हैं अभी। भाई नींद ही नहीं आ रही है यार, कब से मस्त अपने फ़ोन में देखे जा रहा था। तो मम्मी जी ने कहा एक गन्ने का जूस का बॉटल लेके आ जाओ, तो चलते हैं लेके आते हैं। अपने लिए बना रहे अभी गन्ने का जूस। तो अभी गन्ने का जूस तो ले लिया एंड भी चलते हैं घर पे। भाई बहुत ही गर्मी गिर रही है बाहर, तो हाँ बाहर चलो।
बाहर चलो बाहर चलो बाहर चलो भाई प्लीज कह रहा है बाहर चलो है बाहर चलो यार कितना मुश्किल है। देखो यार कितनी मेहनत करनी पड़ती है इसको बाहर भी जाने के लिए। अभी अभी चले जाएगा चलो बाय। पीना आप पी के आओ जाके बाय। यार रेड जेड भी वहीं पे लेके चले। आज में जो स्टेशनरी अंकल है ना तो उनकी फैमिली आए हुआ है मम्मी जी से मिलने के लिए। चलो फिर इन्हीं साथ में मस्त मुकेश भी आए हुआ है। तब तो बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी यार मुकेश आने के बाद। उसके खेलते खेलते टाइम नहीं चलेगा टाइम खा गया। गाना चालू करना मुकेश यहाँ पे जो भी आता है ना मस्त हेडसेट लेके बार बार गाना चालू करने के लिए कहता है। गाना चालू करेंगे तो कैमरा ऑन नहीं होगा एंड कैमरा ऑन होगा तो गाना चालू नहीं होगा। तो दीदी के फोन से रिकॉर्डिंग करते हैं। जैसे जैसे नींद आई गई थी भाई 2 या 3 घंटे की नींद ले लिया मैं पता नहीं कब से याद तो नहीं है। एंड अभी शाम के 6 बज चुके हैं तो थोड़ी बहुत भूख लग गई थी एंड अंदर मस्त जामा ब्रेड पड़ी तो दीदी ने मस्त ये बना दिया बहुत ही टेस्टी आया। तो अभी हम सबको जाना है थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए क्योंकि हम सोच रहे नेक्स्ट मंथ गाँव जाए शादी वगैरह थोड़ी बहुत है तो अटेंड करने के लिए जाना पड़ेगा। तो दीदी एंड मम्मी जी तो रेडी हो चुके हैं एंड बाहर भी चले गए तो हम भी थोड़ा बहुत रेडी होते हैं एंड फिर हम भी बाहर चलते हैं क्योंकि पापा जी आ रहे हैं ना लेने के लिए। पता नहीं पापा जी मम्मी जी को लेने के लिए आ रहे हैं या हम सबको क्योंकि कार लेके आएंगे तो हम सब लोग जा सकते हैं। अगर बाइक लेके आएंगे तो मम्मी जी अकेले जाएंगे ना हम मस्त चलते जा जाएंगे। पर फटाफट से ब्रेड खाता हूँ एंड फिर तैयार हो जाता हूँ। तो भी रेडी वगैरह हो गए मैंने तो बस नॉर्मली टी शर्ट डाल लिया एंड नाइट वेयर पैंट डाल दिया। सो नाइट वेयर पैंट डालने का पीछे एक रीज़न है क्या रीज़न है वो मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ आगे जाके कहता हूँ। तो फिलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं एंड बाहर एक्चुअली काम चल रहा है। जैसे मैंने उठ के देखा तो हमारे बाजू में जो घर है वहाँ पर थोड़ा काम चल रहा है क्योंकि थोड़ा बहुत बिल्डिंग का काम करा रहे पापा जी गेट को। चलो कोई नहीं कराने देते हैं ताला तो दे दिया। ये लो चाबी ताले की ताला देकर आ गया चले अभी। मम्मी पापा तो निकल गए बाइक के ऊपर तो अभी हम ही मस्त वॉकिंग करते करते चलते हैं दुकान की ओर। तो अभी दुकान के पास पहुंच गए एंड दुकान के पास से 2 गाड़ियां जा रही हैं। एक गाड़ी के ऊपर मम्मी एंड पापा जी जा रहे हैं एंड एक गाड़ी के ऊपर तो यहाँ से नज़दीक है ना इसलिए हमने सोचा भाई बाइक के ऊपर ही चलाते हैं। कार को इजी परेशान क्यों करें हम बाइक के ऊपर ही चले जाते हैं। शॉपिंग मॉल के अंदर तो आ गए एंड पहले मेंस वेयर के पास जा रहे हैं। ये मेंस वेयर है चलो कोई नहीं कलर बहुत अच्छा है ना यहाँ पे कलर्स बहुत अच्छे हैं यार। येलो ले लिया ना? हाँ एक तो ले लिया येलो नहीं नहीं एक काफ़ी है ये जो भी कपड़ा वगैरह लिए थे यहाँ काउंटर के ऊपर सबमिट कर दिया तो मैं डायरेक्ट सीधा नीचे ही डिलीवरी मिल जाएगी एंड बिल पेमेंट भी नीचे ही करना है। भाई बिल देख के शॉक हो गया एक्चुअली फर्स्ट टाइम अभी हम मॉल में आए क्योंकि मेरे कपड़े लेने के लिए क्योंकि बाहर के जो भी कपड़े हैं भाई सही चलते नहीं है। मैंने सोचा एक बार मॉल से लेते हैं भाई बहुत ही महंगा गिर गया तो घर पर जाके दिखाता हूँ कितना हुआ है। जो भी दीदी के लिए थोड़ा बहुत जो भी चाहिए ले लेते हैं। बिल बनाए भाई बहुत ही ज़्यादा बनाए तो अभी आपको जो भी है घर पर जाके दिखाता हूँ। तो फिलहाल अभी हम सब आ गए थे मस्त टिफिन सेंटर के ऊपर एंड डोसा अगर ऑर्डर कर दिया है मस्त हमारा डोसा भी बन रहा है। यहाँ पे मम्मी पापा जी को भी आ चुका है हमें तो मस्त गाड़ी के ऊपर बैठ के खा रहे हैं तो मस्त नाश्ता करते हैं। यहाँ पे हमने अपनी अपनी गाड़ी एक्सचेंज कर ली मैं और दीदी आके वाले के सीधा घर पे जाएंगे एंड पापा जी हीरोंडा लेके दुकान पे तो चलते हैं। तो फिलहाल मैं एंड दीदी तो घर पे आ गए मम्मी जी एंड पापा जी दुकान पे रुके जो भी पापा जी को थोड़ा बहुत हिसाब करना है कर लेंगे एंड आ जाएंगे। मेरे कपड़े वगैरह जो भी लेके आया था शॉपिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुकी है एंड जो भी लेके आया था रूम के अंदर रख दिए
तो दीदी या फिर मम्मी जी बस जैसे जमा देंगी जिधर भी जमाने हैं। एंड हम बस अभी ब्लॉग को एंड करते हैं। सो एटी वो सब कुछ अभी कंप्लीट करनी बाकी है। एंड अभी 10 बज चुके हैं, 10:15 हो चुके हैं। सो बहुत ही काम बचा है यार, तो फटाफट से काम को कंप्लीट करते हैं एंड फिर सोएंगे, क्योंकि कल भी काम है हमें बिल्डिंग के ऊपर। एंड कल तो टोटल काम कंप्लीट कर देना है, क्योंकि परसों से कुछ भी काम करना नहीं है ना, तो कल फुल काम कंप्लीट कर देना है हमें। 12 जो भी 1 बजे तक करना है कर देना है। तो अभी जल्दी सोएंगे, तो सुबह जल्दी उठेंगे, फिर काम करना स्टार्ट करेंगे। एंड आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चाहे बोले तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। लेकिन यार आज मम्मी जी एंड दीदी की थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी हो गई, जो भी मॉल में गए थे ना, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत बातचीत हो गई, इसलिए दीदी नाराज है, इसलिए कुछ भी नहीं बोल रही, मुझसे बात नहीं कर रही है, तो मम्मी जी से भी बात नहीं कर रही है। चलो कोई नहीं, दीदी को मनाने की कोशिश करते हैं।